खरगोन जिले के गोगांव में सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखते हुए दोनों समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों को अलग अलग समय में नगर के जनपद पंचायत हॉल में बैठक ली। बैठक में खरगोन एसडीएम सत्येंद्र सिंह चौहान ने दोनों समुदाय के लोगों को बताया कि इस बार कोरोना महामारी के चलते सरकार ने त्योहारों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। आगामी त्यौहार मुहर्रम और गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक रूप से होने वाले आयोजनों पर शासन ने प्रतिबंध लगाया है। साथ ही मुहर्रम और गणेश उत्सव में गणेश जी की प्रतिमा और ताजिए 2 फीट से ज़्यादा के नहीं होंगे, यह बात भी कही तो वहीं ताजिए और गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए सिर्फ 4 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी, इस बात से भी अवगत कराया गया। साथ ही बैठक में नागरिकों ने ग्राम की अन्य समस्याओं को लेकर भी जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में खरगोन एसडीएम सत्येंद्र सिंह, एसडीओपी राजाराम अवस्या, तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार, सीओ रोहित पचौरी, नायब तहसीलदार दयाराम अवस्या, ग्राम पंचायत सचिव ओम प्रकाश यादव सहित नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। ये अभी वर्तमान में त्योहारों का सीजन आने वाला है तो इसमें आज शांति समिति की बैठक रखी गई है और इसमें जो शासन के निर्देश गृह विभाग के और किस रूप में अपने को किस तरह से धार्मिक आयोजन इस बार करना है वो विस्तृत रूप से समझाई दी गई है, उसी के संदर्भ में रखी गई है बैठक। क्या नाम लिखते सर? सत्येंद्र सिंह, एसडीएम खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।